नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। बात करते हैं मौसम की। ग्वालियर में आसमान साफ होने से सूरज के तेवर तीखे हो गए। सुबह 9 से 12 बजे के बीच तापमान में उछाल आया और गर्मी बढ़ गई। गर्म हवा में लोगों का निकलना मुश्किल हो गया, जिससे हमेशा व्यस्त रहने वाली सड़कों पर सन्नाटा छा गया। देर रात तक गर्म हवा के थपेड़े लोगों को बेहाल करते रहे। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में अभी और बढ़ने की संभावना है। 2 जून को नौतपा का आखिरी दिन था, लेकिन आखिरी 2 दिनों में भीषण गर्मी से लोगों को राहत महसूस हुई। आने वाले दिनों में आसमान के साफ रहने और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने का अनुमान है। तापमान के बढ़ने से मानसून पूर्व की हलचल शुरू हो जाएगी और आंधी के साथ बारिश भी हो सकती है। मानसून दक्षिण में कर्नाटक और पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं पर 3 दिन पहले पहुँच गया, जिसने अपनी रफ्तार अच्छी रखी है। कर्नाटक के मंगलोर तक आने के बाद दक्षिण में मानसून की रफ्तार थम गई है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों से मानसून आगे बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर से आगे बढ़ने पर ग्वालियर चंबल रीजन में जल्द मानसून आने और 20 से 25 जून तक बारिश होने की संभावना है। अभी जो टेम्परेचर जो चल रहा है साल फिर मिलेगा, मिनिमम का टेम्परेचर 24-25 चल रहा है, वही चलेगा। जो उत्तर भारत के ऊपर सर्दियों से मना हुआ है, उसके कारण अपने वाक एफेक्ट रहेगा, उसके कारण अपने को बनने वाली आंधी और वो मिल सकता है। और एक द्रोण का जो कि राजस्थान के ऊपर से छत्तीसगढ़ तक बनी हुई है, उसके कारण क्लाउड रहेगा सीजन और बादल छाए रहेंगे और थोड़ा थोड़ा बरसात हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। हवा तेज रहेगी, कोई तूफान आ रहा है इधर उत्तर भारत में अपने आप अपना उसका इफेक्ट ही मिल सकता है हमको। बाकी ऐसा कोई लंबा चौड़ा वो नहीं है कि जिससे अपन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू, न्यूज आज। और मौसम की इस खबर में अभी तक के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।